जनपद हमीरपुर के मौदा तहसील मार्ग पुरानी टॉकीज के पास एक युवक को गोली मारकर सनसनी फैला दी। आपको बता दूं, 22 वर्षीय युवक को उस समय गोली मार दी गई जब वो कोचिंग के लिए जा रहा था, तभी बाइक सवार हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। इस दौरान नगर के तहसील मार्ग में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को मौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सक रजत तिवारी ने बताया कि युवक के बाएं हाथ में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी सौम्या पांडे व पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल पर जुट गई हैं। हमीरपुर से नौशाद रहीम की रिपोर्ट। पता चला ऐसे ही जानकारी मिली है कोई ने फोन उनके पिताजी को, तब हमको मालूम चला जवाब आए। कहाँ आने जाना कहाँ रहता था इनका? बस कोचिंग आता रहा, दोस्तों के साथ में रहता रहा, दोस्तों के साथ में रहता रहा, कभी खेलने भी जाता रहा है क्रिकेट वगैरह। इसके अलावा कभी लड़ाई की बात नहीं बताई किसी नहीं, से नहीं, 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 लड़ाई वड़ाई की बात नहीं। क्या नाम क्या है इनका? महेश कुमार। और इसको पुलिस वाले लेकर आए थे कि हाथ में किसी ने गोली मारी है, उसी आधार पर हम लोगों ने इलाज किया है और इस समय रेफर किया, रेफर हो गया।